गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिस किरण आज क्लास यूकेजी के बच्चों को हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। आपको मैं पिछले वीडियो में दीर्घ की मात्रा वाले वर्णों से बने शब्दों के बारे में पढ़ाई थी, तो आज मैं आपको उन्हीं शब्दों से वाक्य बनाने के लिए बताऊंगी। तो पाठ 10 दीर्घ की मात्रा वाले वाक्य एक साथ पढ़ेंगे, आप लोग भी मेरे पीछे पीछे जोर जोर से, ठीक है। प दीर्घ र ब पूरब दंत स एकर से दंत स दीर्घ र ज सूरज न हर्षोई क ल अकार निकला पूरब से सूरज निकला र अकार ज दीर्घ राजू हर्षव ठ उठ राजू उठ द अकार त दीर्घ दंत न दातुन कर कर दातुन कर दंत न अकार ख दीर्घ दंत न नाखून दंत स अकार फ साफ कर कर नाखून साफ कर दंत स दीर्घ ट सूट ब दीर्घ ट बूट प है दंतना पहन सूट बूट पहन दंतना ह आकार कर नहाकर प दीर्घ ज आकार पूजा कर कर नहाकर पूजा कर द दीर्घ ध दूध प दीर्घी पी दूध पी आ ल दीर्घ आलू प दीर्घ ड दीर्घी पूरी ख आकार खा आलू पूरी खा चल चल अब अब अधस क दीर्घ ल स्कूल ज आकार जा चल अब स्कूल जा ख दीर्घ ब खूब प ड आकार दीर्घी पढ़ाई कर कर खूब पढ़ाई कर प आकार ठ पाठ म त मत भ दीर्घ ल भूल पाठ मत भूल झ ग ड आकार ल दीर्घ झगड़ालू म त मत ब दंत न बन झगड़ालू मत बन। और एक बार पढ़ेंगे जोर जोर से। पूरब से सूरज निकला राजू उठ दातुन कर नाखून साफ कर सूट बूट पहन नहाकर पूजा कर दूध पी आलू पूरी खा चल अब स्कूल जा खूब पढ़ाई कर पाठ मत भूल झगड़ालू मत बन। तो ये हमने देखा दीर्घ की मात्रा वाले वर्णों से बने शब्द और उन शब्दों से बने वाक्य। तो इसमें हम देखते हैं पहला वाक्य है पूरब से सूरज निकला। सूरज किधर से निकलता है? पूरब से। और जैसे सूरज निकलता है हम लोग उठ जाते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कौन उठ जाता है? राजू उठ। ये राजू आप लोग की तरह ही एक बच्चा का नाम है। और उठकर क्या करते हैं हम लोग? दातुन करते हैं। तो राजू को भी बोला जा रहा है राजू उठ दातुन कर। आप लोग को भी मम्मी बोलते हैं ना घर में सूरज निकलने से, बेटा उठो दातुन कर ब्रश कर। उसी प्रकार राजू को भी बोला जा रहा है, ठीक है। अगला वाक्य है नाखून साफ कर। और क्या करना चाहिए? नाखून भी साफ करना चाहिए। फिर सूट बूट पहन। सूट बूट मतलब कपड़े पहनना चाहिए। उठने के बाद हम लोग कपड़ा पहनते हैं, चेंज करते हैं ना, बदलते हैं अपना कपड़ा। फिर नहाकर पूजा कर। इसके बाद हम लोग नहाने जाते हैं, पूजा के पहले नहाते हैं। दूध पी। राजू को बोला जा रहा है दूध पीने के लिए। आगे आलू पूरी खा। और दूध पीने के बाद आलू पूरी नाश्ता करने के लिए बोला जा रहा है राजू को। अगला है वाक्य चल अब
स्कूल जा, और नाश्ता करने के बाद कहाँ जाते हैं आप लोग? स्कूल। उसी प्रकार राजू को भी बोला जा रहा है, चल अब स्कूल जा, और स्कूल में आके फिर क्या करना है, खूब पढ़ाई कर। आप लोग भी स्कूल आके खूब पढ़ाई करते हैं ना? हाँ। फिर आगे है, पाठ मत भूल। पाठ नहीं भूलने के लिए बोला जा रहा है राजू को। और झगड़ालू मत बन, किसी से झगड़ा नहीं करने के लिए, जो झगड़ा करता है उसको क्या बोला जाता है, झगड़ालू। ठीक है। तो और एक चीज हम देखेंगे ध्यान से, पहला वाक्य में पूरब से सूरज निकला में कौन कौन से है दीर्घ की मात्रा वाले शब्द? इस प्रकार ये दीर्घ की मात्रा कहाँ कहाँ लगा है? पहला शब्द में देखेंगे पूरब में लगा है, प के नीचे, और इसमें सूरज में स के नीचे। अगला वाक्य में राजू में ज के नीचे, और फिर दातुन में ता के नीचे, फिर यहाँ नाखून में ख के नीचे, यहाँ सूट और बूट दोनों में, सूट में स के नीचे, बूट में ब के नीचे। अगला इसमें पूजा में लगा है प के नीचे दीर्घ की मात्रा, फिर यहाँ दूध में द के नीचे, आलू में ल के नीचे, पूरी में प के नीचे, फिर आगे स्कूल में क के नीचे, और यहाँ खूब में ख के नीचे, आगे भूल में भ के नीचे, और इसमें झगड़ालू में ल के नीचे। इस प्रकार दीर्घ उ की मात्रा वाले शब्दों को पहचानना है। और इसी प्रकार आप लोग भी अपनी कॉपी में, हिंदी की क्लास और कॉपी में साफ साफ पेंसिल से लिखेंगे और सर्कल करना है, गोल करना है दीर्घ की मात्रा वाले शब्दों को, और जोर जोर से पढ़ाई करना, उच्चारण के साथ घर में लर्न करना है। ठीक है। तो इस प्रकार ये पार्ट 10 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको अगला वीडियो में नया पार्ट पढ़ाऊंगी। थैंक यू।